हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मालिक मंडल। मैं लैपटॉप डेस्कटॉप एंड फोन का टेक्नीशियन हूँ। तो गाइस देखिए, मेरे पास एक फोन आया है जो मॉडल नंबर अभी देखा था गाइस, रेडमी नाइन। इसमें जो प्रॉब्लम है गाइस, हम चार्जर लगाते हैं दूसरा भी लगाते हैं गाइस, ये कभी चार्ज सिंबल आता है और कभी नहीं आता है गाइस। और जिस टाइम पे आता है चार्जिंग, उस टाइम पे वो एम्पियर नहीं लेता है। ये प्रॉब्लम है गाइस। तो मुझे देखना है हमारा जो ये जो सीसी बोर्ड है, थोड़ा सा हम थिनर से क्लीन करते हो, उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए अभी तो एक बार थोड़ा सा आया है, अभी नहीं आ रही है। तो गाइस मुझे देखना है हमारा एक पिन खराब है ना, पिन का जो जहाँ से हम पहले से स्क्रू पेन करके रखा है गाइस, तो वीडियो लंबा नहीं होगा। तो मुझे देखना है गाइस इसमें हमारा चार्जिंग कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही। ओके गाइस, जो हम पुश करते हैं देखिए, कभी वोल्टेज देखिए 3.72 इसमें देखा रही है चार्जिंग कनेक्ट करने के बाद। और इसको हटा देता हूँ पिन। देखिए हम कनेक्टर को अलग कर दिया, उसके बाद में हम देखता हूँ। देखिए हमारा जो है 4.5 वोल्टेज बन रहे थे, 4.557 वोल्टेज आ रही है जिस टाइम पे कनेक्ट लगाता हूँ कनेक्टर को। देखिए गाइस 3.24 में कन्वर्ट हो। तो गाइस हमारा ये जो सीसी का पिन है, इसमें कोई इशू नहीं है हमारा इसी कनेक्टर को। मुझे देखना है कनेक्टर को क्या प्रॉब्लम है गाइस। कनेक्टर ओपन करने के बाद हमारा फुल वोल्टेज बन रही है, लेकिन कनेक्टर लगाने के बाद तो वोल्टेज कम हो जाता है। तो गाइस देखिए हमारा जो कनेक्टर का हाल है, इसमें एक कनेक्टर देखिए, ये एक दो तीन कनेक्टर जो है हमारा वाटर डैमेज के लिए ये हो गए, खराब हो गए। तो इसमें क्लीन करने के कोई फायदा नहीं है गाइस, हम देखा है पूरा ये हो गया। तो हम ये सीसी बोर्ड को चेंज करके देखना है, सीसी बोर्ड चेंज करके देखना है हमारा जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन हो जाता नहीं है। ओके गाइस, तो गाइस देखिए हम मार्केट से ओरिजिनल सीसी बोर्ड परचेस किया है। तो ये हमारा जो पिन जो है ठीक ठाक था, लेकिन हमारा इश्यू आया है कनेक्टर से। देखिए गाइस और मेरा फोन जो है ऑन ही है, हम चार्जर पुश करते हैं। देखिए गाइस हमारा जो चार्ज शो हो रही है, मतलब हमारा और एम्पियर भी ले रही है। देखिए गाइस
1.7 एम्पीयर भी ले रही है। मतलब गाइस हमारा जो इश्यू आया है और सीसी बोर्ड का जो बोर्ड के साथ जो कनेक्टर है मेन कनेक्टर से प्रॉब्लम आया है। हमारा सीसी जो है चार्जिंग का जो सीसी है उसमें नहीं आया है प्रॉब्लम, तो हम पूरा ही चेंज कर दिए हैं। एक बार फुल फिटिंग करके भी आप लोगों को दिखाता हूं गाइस। हेलो गाइस, दो देखिए चेंज करने के बाद हम देखिए हमारा जो है 39 था 40 हो गया गाइस और लोड भी ले रही। तो गाइस मेरा जो प्रॉब्लम था वो सोल्यूशन हो गया। तो गाइस मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 एक लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते मत भूलिए। जय हिंद।